देखें, स्टील के एक टुकड़े की कीमत लैट 500 रुपये है, वो एक महज टुकड़ा है, लेकिन अगर हम उसकी तराश तराश करते हैं, उसकी नीडल्स बना लेते हैं, तो वो हज़ारों में बिकती हैं नीडल्स। और अगर उसी स्टील के टुकड़े के हम घड़ी की सुइयां बना लेते हैं, घड़ी की नीडल्स बना लेते हैं, तो वो आपकी लाखों में बिकेंगी। अब बेटे आपके ऊपर इंसाफ है कि आप अपने आप को स्टील का वो टुकड़ा कंसीडर करते हो, आम सा टुकड़ा, आप अपने आप को नीडल कंसीडर करते हो तराश तराश की हुई, या एक वाल क्लॉक की घड़ी की नीडल कंसीडर करते हो जो बहुत ही कीमती हो जाती है, वो भी स्टील है, वो भी स्टील है, वो भी इंसान जो बहुत ऊपर पहुंच गया, बड़ा ऑफिसर बन गया, पढ़ लिख के डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, और वो भी इंसान है जो मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन उस इंसान ने अपने आप को परखा नहीं, उसे अपनी कीमत का नहीं पता था कि मैं क्या हूँ। अगर वो थोड़ा सा अपने ऊपर गौर करता और मेहनत करता, तो बजाय एक मज़दूर के वो कहीं अफीसर होता, वो कहीं डॉक्टर होता, वो माशरे का अच्छा शहरी होता। ये नहीं है कि मज़दूर माशरे के अच्छे शहरी नहीं हैं, इन्हीं के दम से दुनिया चल रही है, लेकिन तरक्की तो हर कोई चाहता है। वही मज़दूर जाके पूछें, वो पछता रहे हैं आज कि हम पढ़े क्यों नहीं हैं, हमने अपने आप को पहचाना क्यों नहीं है। अगर उन्होंने अपने आप को पहचान लिया होता, रिकॉग्नाइज कर लिया होता, तो आज वो इस तरह से धक्के ना खा रहे होते। बारिश का एक कतरा गिरता है समंदर में जाके, और वो सोचता है कि मैं एक छोटा सा कतरा, क्या बनेगा मेरा। ऊपर से सीपी अपना मुंह खोलती है और उसे निगल लेती है, उसको सेंध सेंध के रखती है, उसकी परवरिश करती है, और चंद महीनों बाद, चंद दिनों बाद वो घूंगे की सूरत में बहुत कीमती बन जाता है। अब पूरी बारिश का कतरा एक कतरा कीमती होता है। जैसा कि आज का स्टूडेंट, आज का इंसान सोचता है कि मेरे एक के तब्दील होने से क्या होगा, बाकी तो कोई तब्दील नहीं होगा, बहुत कुछ होगा। आपके तब्दील होने से, एक स्टूडेंट के तब्दील होने से उसका पूरा घर तब्दील होगा। जब एक पूरा घर तब्दील होगा, उसके इर्द गिर्द के सारे लोग तब्दील हो जाएंगे। तो माशरे को किसने बनाना है? हम असातिज़ा ने बनाना है, स्टूडेंट्स ने बनाना है। अपने आप में तब्दीली लाएंगे, इंशाल्लाह हमारे इर्द लाजमी तब्दीली आएगी। तो बेटा अपने आप को चेंज करें, आपका जो मकसद है, आपको जो फ़राइज़ सौंपे गए हैं, स्टडी करना, आगे बढ़ना, आप उनको अडॉप्ट करें, आगे बढ़ें, बजाय इसके कि अपने आप को आवारा गर्दी में ज़ाय करने से। कल को आप पटाएंगे, फिर क्या होगा? इट इज़ नो यूज़ क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। अब पटाया क्या हुआ जब चिड़ियाँ चुग गई थी? सिर्फ चंद साल, 2 साल, 3 साल, इसके बाद पटावा ही पटावा होगा और आपको कुछ कर नहीं सके। तो पहचानिए अपने आप को, आगे बढ़िए, अपने आप को कीमती बनाइए। थैंक यू।